हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रियलमी सी 30 मोबाइल की, इसके फीचर के बारे में, इसकी अनबॉक्सिंग और इसके प्राइस रेंज के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके कर लेते हैं बॉक्स के बारे में बात। तो रियलमी की कुछ पैकिंग येलो कलर के डिब्बे में आती है और यहाँ पे इसमें रियलमी के नीचे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे इसका बड़ा बड़ा मॉडल लिखा हुआ है रियलमी सी 30। इसी सीरीज का सी 30 मोबाइल है जो कि C1 सीरीज से स्टार्ट हुआ था और सी 30 सीरीज पर आ चुका है। साइड में अगर बात करें तो साइड में कुछ इस टाइप की इसकी ब्रांडिंग होगी और यहाँ पे कुछ ये कंपनी की मोहर लग के आती है। फीचर के बारे में बात करें तो इसमें कुछ डिब्बे पे फीचर पीछे की ओर दिए जाते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे पावरफुल यूनिसेक T612 का प्रोसेसर आपको मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 8.5 mm का अल्ट्रा स्लिम मोबाइल मिल जाएगा और 16.5 सेंटीमीटर की आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगी जो कि फुल HD+ और HD+ डिस्प्ले नहीं है ये। दोस्तों इसके अगर बजट की बात करें तो ये मात्र 5999 रुपये में आपको मिलेगा, तो उस हिसाब से ही इसके फीचर आपको मिलेंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा खास फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसके कर लेते हैं रैम रोम की बात। तो इंटरनल स्टोरेज का 32 GB आपको मिलेगा और रैम इसमें 2 GB मिलेगा, ये 32 का रेंट होता है। और यहाँ पे इसमें आपको ऊपर मोस्ट ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी ग्रांड लिख के ब्रांड मिलेगा। ये यहाँ पे इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांड की है। अब कर लेते हैं इसे अनबॉक्स। तो अगर इस मोबाइल की बात करें आपको, तो अभी हम आपको बताएंगे इसके फीचर और उसके बारे में, उसके बाद में आपको समझ में आएगा इस फ़ोन को मार्केट से ख़रीदना है आपको या नहीं ख़रीदना है, क्योंकि मार्केट में इस टाइम कंपटीशन के चक्कर में इससे बेहतरीन फ़ोन आपको इसी रेंज में बहुत से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में आपकी इच्छा है, आप रियलमी का फ़ोन लेना चाहते हैं तो इसी फ़ोन को भी परचेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये फ़ोन भी बहुत ज़्यादा डिमांडेड फ़ोन है। अब कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो कुछ इस टाइप का इसका बॉक्स होता है और यहाँ पे इसमें सबसे ऊपर आपको सिम इंजेक्टर टूल का ये किट मिल जाएगी। इसमें आपको कवर नहीं मिलेगा, मोबाइल के लिए कोई भी खेस कवर नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये आपको रियलमी का पैकेज मिल जाएगा, इसमें एक रेटिस्टा सिंस द फर्स्ट लिप, इसमें आपको सिम इंजेक्टर टूल यहाँ पर और कुछ यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएंगे। अब कर लेते हैं फ़ोन के बारे में बात। तो कुछ इस टाइप का फ़ोन पैकिंग में आता है। फ़ोन के बारे में बात करें तो कुछ इस टाइप की पन्नी की पैकिंग में आता है और यहाँ पे ये आपको स्क्रैचलेस पैनल के साथ एक कैमरे में फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसकी कुछ ब्रांडिंग दी हुई है रियलमी, यहाँ पे ब्रांडिंग रियलमी की हो गई और यहाँ पे सिंगल कैमरा जो कि फ्लैट कैमरा है निकला हुआ ऊपर के लिए नहीं है, विद फ्लैश लाइट आपको देखने को मिल जाएगा। फिंगर की बात करें तो इस फ़ोन में आपको फिंगर सेंसर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। साइड में बटन होगा, प्लस माइनस ये वॉल्यूम बटन मिल जाएगा आपको प्लस माइनस का, और ये फ्रंट डिस्प्ले हो गई। डिस्प्ले भी ज़्यादा खास नहीं है, नॉर्मल ही है, फुल HD भी नहीं है, केवल फुल स्क्रीन ही है, कोई भी HD+ या AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ स्पीकर मिल जाएगा, नीचे तरफ माइक सेंसर और ऑडियो जैक, नॉर्मल पिन, यहाँ पे आपको टाइप सी पिन देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाएगा। सिम इन टूल की बात करें तो यहाँ पर सिम इन टूल है, यहाँ पर इसमें 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड मिल जाएगा। अब कर लेते हैं इसके चार्जर की बात। तो इसका देखने में तो चार्जर सही है, 10 वाट का है, बट नॉर्मल चार्जर ही स्पीड बूस्ट नहीं करेगा, ये जल्दी चार्ज नहीं करेगा, 1 घंटे का टाइम लेगा ही। 10 वाट का चार्जर ही आपको देखने को मिलेगा। इसमें टाइप सी डाटा केबल होनी चाहिए थी, बट आपको नॉर्मल डाटा केबल ही देखने को मिलेगी। इस चीज़ की इसमें बहुत ज़्यादा कमी की गई है। ये 6000 रुपये की रेंज में आपको देख डाटा केबल क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, बट ये फ़ोन आपको 6000 की रेंज में मिलेगा। 6000 की रेंज में आपको फिंगर सेंसर नहीं मिलेगा, फास्ट चार्जर नहीं मिलेगा, सिंगल कैमरा मिलेगा और डिस्प्ले की क्वालिटी भी बेहतरीन नहीं मिलेगी। तो आपको अगर आप मार्केट में इससे बढ़िया बेस्ट फ़ोन परचेस करना, अगर आप फ़ोन परचेस करने जाते हैं तो इससे बेस्ट फ़ोन भी आपको 6000 रुपये के रेंज में मिल जाएगा। तो आप लेने से पहले एक बार ज़रूर फ़ोन का देख लें, इस फ़ोन को ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें फ़ीचर ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, फिंगर सेंसर नहीं मिलेगा, फास्ट चार्जर नहीं मिलेगा, फुल HD+ डिस्प्ले नहीं मिलेगी। तो हमारी राय में आपको इस फ़ोन को परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतरीन फ़ोन भी आपको मिल जाएंगे। बेहतरीन फ़ोन के इसी रेंज में वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।